नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए रुक करते हैं शहर की खास खबर की ओर। भारत साधु समाज के संस्थापक और महामंत्री धर्माचार्य स्वामी हरिनारायणानंद जी के श्रद्धांजलि सभा बिहार विद्यापीठ में की गई, जहां राज्य भर से साधु संत के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेताओं ने स्वामी जी को श्रद्धांजलि दी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश के बड़े संत थे और उन्होंने सनातनी धर्म वैदिक संस्कार के लिए अपना पूरा जीवन दिया था। उनकी कृपा सबों पर बनी रहे। जिसके भीतर बुराइयों को मिटाने की अदम साहस है, जो खुद को मिटा सके, जो सच को बोलने की हिम्मत जुटा सके, जो सच के पथ पर चलने, अच्छे लोग मरने के लिए बने। माँ के तीन बच्चे, एक डॉक्टर, एक के बच्चे, सब पापी, अच्छा खराब। अब ईश्वर को तुम पाप पुण्य में तो नहीं मार सकते। हम यहाँ से निकल रहे हैं और जाते हैं। संत जी नेताओं को इस मंच से बचाए। पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन इस कंट्री का सबसे बड़ा नाशन। हम संगठध्वम संबद्धध्वम के भाव में आए हैं। संभवो मनां सि जानतम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजा नाना उपास। हम इस विराट द्वीप में आए। इनके बच्चों को मारकर हम भगवान को शराब चढ़ाकर हेलो भगवान को शराब और सनी। स्वामी जी बिहार के ही नहीं, देश के इतने महान संत थे जिन्होंने सनातन धर्म, वैदिक संस्कार, वैदिक संस्कृति और वैदिक शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाया था और एक प्रकार से पूरा जीवन दिया था उन्होंने। और मेरे तो स्वर्गीय पिताजी के साथ उनके बहुत अंतरंग संबंध थे। मुझे भी उनका बहुत आशीर्वाद मिला था। मुझे याद है जब मैं अटल जी की सरकार में पहली बार मंत्री बना था, उनका फ़ोन आया था कि आओ मुझसे मिलने आओ, मैंने तुमको बचपन के रूप में देखा है। तो आज ऐसे बिहार के महान संत जो देश में नाम किया, तो मैं उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। अब यही कोशिश की जाए कि जो हमने महान संस्थान जो संस्कृत विद्यापीठ बनाया है, ये और फलता रहे, फूलता रहे, यही हम सबकी कामना है। हमारे राष्ट्रीय विधायक संजीव जी भी मेरे बगल में खड़े हैं, जितना हम लोग से होगा सहयोग करेंगे ताकि उनकी पुनीत स्मृति को हम सभी जीवंत रखें। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।